पूरे किले ऊंचे ऊंचे थे, जैसे कॉलोनी होती है ना, कॉलोनी मोहल्ले होते हैं, भूकंप आ जाए तो सारे ध्वस्त हो जाए, वही चीज है पूरी चारों तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो देखो आज के ब्लॉग शुरुआत मैं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बट देख ये दिखाई ही दे रही है इसमें, है ना। तो ये निकाल रही हैं देव के लिए कुछ कपड़े, और इन्होंने मुझसे जिद करके प्लान किया है घूमने बाहर चलने का। तो अभी हम लोग घूमने जाते हैं, अभी अभी हमने लंच किया है और मॉर्निंग में सारे काम किए हैं, और ये देव बैठे हैं। तो देव को अभी ये वाला ट्राई कराए थे कपड़े, बट हमें तो समझ में आ नहीं रहा है क्योंकि इसकी स्लीव्स कटी हुई हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो अब इनको ये वाला पहनाएंगे, देखते हैं कुछ और पहनाएंगे। तो अभी पहनाते हैं। तो ये ड्रेस का प्लान चेंज हो गया क्योंकि ये बड़ी है, साइज लेके देखा देव के ऊपर, तो ये भी जैसे ये बड़ी है वैसे ये बड़ी है, तो इसलिए ये भी नहीं पहनाएंगे। अब कौन सा पहनाएंगे, तो अभी देखते हैं कौन सा पहनाएंगे। तो देव क्या देख रहे हो, बादल देख रहे हो ऊपर, अच्छा, और बारिश हो गई। तो फ्रेंड्स हम लोग रेडी हो गए हैं और गाड़ी में बैठ भी गए और गाड़ी चलने लगी है। देव देव और ये देखो आगे बैठे हुए हैं। देव देखना किधर है, देव तो दिख भी नहीं रहा है मुझे, ये देव बैठने नहीं देता, कोने पे बैठ गया है। तो फ्रेंड्स मेरी आगे वाली जो सीट है वो देव ने छीन ली है। अब देव जब से समझदार हुए तब से मुझे आगे नहीं बैठने देते, खुद बैठ जाते हैं। पापा के साथ। तो फ्रेंड्स हमारे साथ आ रहे हैं अक्कू, यानी देव के फ्रेंड अक्कू। देखो देव 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 आपके फ्रेंड नहीं, अक्कू कौन आ गया, देव कौन है ये अक्कू। तो देव अपने मामा का नाम लेते हैं अक्कू। आप देव ने मुझे तो नहीं बैठने दिया बट अपने मामा को बिठा लिया। तो फ्रेंड्स हमारी जो ट्रिप के साथी हैं सारे वो सब आ चुके हैं। ये हैं दक्ष, पहले भी आए हैं, और साथ में है मैडम और सर हैं, सब लोग हैं पीछे सब लोग, और इधर अंकित हैं। अंकित की गोद में हमारे सुपुत्र हैं देव। तो सब लोग रेडी हैं। हमारे साथ साथ बारिश चल रही है, देखो कितना सुंदर नजारा दिखाई तो दे रहा है। अगर घर में होते तो ये दिखाई नहीं देता कि साथ साथ बारिश चल रही है, बट हम लोग भी आगे को जा रहे हैं और बारिश भी इधर ही आ रही है, देखते हैं कौन आगे निकल पाता है। और हम तो ये चाह रहे हैं जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बारिश ना पहुँचे, तो ही एंजॉय कर पाएंगे। तो फिलहाल आगे चलते हैं। राइड वगैरह हल्का सा स्नैक ले लिया है, और ये रहा वेदर देखो, बादल आ गए हैं, और किसी भी टाइम हमारे साथ साथ बादल चल रहे हैं, लगभग 30-40 किलोमीटर चलने के बाद में भी देखो बादल पीछे पीछे आ रहा है। और देव उठ गए और ये लोग एंजॉय कर रहे हैं अंदर बैठे हुए, और ये हाथ में जो दिखाई दे रहा है मेरे पास स्नैक्स दिखाई दे रहे हैं, बाबू के लिए लाया हूँ मैं, सब लोग खाएंगे। क्या है ये, तो फ्रेंड्स आ गए यहाँ पर घूमने आए हैं बारिश में घूमने। और ये है ASI का, ASI का किला नहीं है, रामनगर का किला है, ASI का बोर्ड लगा हुआ है। तो अब इसमें पहले भी आ चुके हैं आपने देखा होगा, बट आज हम किसी और पर्पज से यहाँ घूमने आए थे, और अभी यहाँ पे हो रही बारिश तो जगह जगह कच्चे रास्ते पानी भरा हुआ है, थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा हमें। तो अभी आगे बढ़ते हैं और फोन को भी कर देते हैं बंद। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं, और ये वेदर देखो, जो बारिश थी वो हमसे आगे निकल गई, यानी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई यहाँ पर, और वेदर अब ऐसा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, जो एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हो गया, बट थोड़ा डर लग रहा था कि बारिश रुकेगी या नहीं रुकेगी, बट रुक चुकी है, और हमने कार यहाँ खड़ी कर दी है। और ये जगह देखी होगी आपने, पहले मैं आया था तो आज इसी जगह खड़े किया है कार को, बारिश है तो इस वजह से कार आगे नहीं जा पाएगी, पहले तो वहाँ तक पहुँच गई थी, दूर तक पहुँच गई थी, बट इस बार हमको कार यहीं पार करके जा रहे हैं।
और दूरी इतनी है कि वो शायद हमको कहाँ जाना है, काफ़ी दूर है, वो रही जगह, ये रही जगह, यहाँ जाना है। तो अभी चलते हैं। तो कार को सेफली लॉक कर दिया है, ये और भी व्हीकल खड़े हैं, ऑटो वगैरह चल रहे हैं हम लोग, साथ में कौन कौन है वो लोग भी हैं, चलेंगे उनके साथ। तो फ्रेंड्स देखो, वॉक कर रहे हैं, अब हमारी कार भी दिखना बंद हो गई है और थोड़ी थोड़ी ऊंचाई पर आ गए, और ये लोग भी जिनके ऑटो वगैरह खड़े थे वो लोग भी आ रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं, आ जाओ इधर से आ जाओ। देखो ये हमारे गाइड ने भी हमें रास्ता बता दिया है, और ये हैं देखो ये वाला रास्ता, पिकनिक वाले सब अपना अपना सामान लेके आ रहे हैं। तो बताओ कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, जगह कैसी है? आप इतिहास की सड़कों पे जा रहे हो, बैग अच्छा सा, तो देखो ट्रैक की तारीफ कर रहे हैं, और यहाँ तक सड़क बनवा दी है मैंने, नेक्स्ट टाइम जब आना होगा तो देखो सड़क यहाँ तक बन चुकी है, और जब पिछली बार आया था तो इससे काफी पीछे तक थी, इस बार आगे तक है, देखो कहाँ है, यहाँ तक। तो ब्लॉग का कंपैरिजन कर लेना ब्लॉग में देखकर। हमारे साथ एक म्यूजिशियन चल रहे हैं, अभी म्यूजिक सुनने को मिलेगा। और ये दोनों की पैंट खराब हो गई, कार से ऐसे उतरे चिपक चिपक के नीचे पैर, और देव कह रहा है ये दाना टूटा पड़ा है, देखो ये जमीन पे जो पुरानी जो ईंटें हैं प्राचीन काल की लग रही हैं, प्राचीन काल की है ये, क्यों ये क्या है, जैसे ये चुनाई पूरी दिखाई दे रही है, क्या है समझ में आ रहा है कुछ? किले की दीवार, ये पूरे किले ऊंचे ऊंचे थे, जैसे कॉलोनी होती है ना, कॉलोनी मोहल्ले होते हैं, भूकंप आ जाए तो सारे ध्वस्त हो जाए, वही चीज है पूरी चारों तरफ। तो हम लोग चल रहे हैं अब आगे, और इस पे पता नहीं कब जा पाएंगे, ये देखो हमारे साथ साथ चल रहा है, आजा। देखो फ्रेंड्स, पहले मैं आया था, तब मैं अपने दोस्तों के साथ आया था, अब फैमिली में आए हैं, तो देखो यहाँ पे ये ट्रेन वही चीज है, अब मैं इस ट्रेन की सवारी इनको कराऊंगा। तो ये देखो यहाँ पर एक बहुत पुराने टाइम जो ट्रेन चलती थी उसके साथ ये फोटो क्लिक करा रहे हैं। ट्रेन अच्छी लग रही है, तो देव को ट्रेन बहुत अच्छी लगी, देव ने दूर से ही पहचान ली ये ट्रेन है। देव ये क्या है, ट्रेन के पहिए देखो, देखो और इधर देखिए मैम ये अपना म्यूजिक स्टार्ट कर रही है, गिटार स्टार्ट कर लिया है, कोई गाना हो जाए, मुझे नहीं आता है, दक्ष बजाएगा। अच्छा अच्छा, नहीं आ रहा, दूर से ही आ रहा है, तो इतने अच्छे मौसम में तो मैम ने स्टार्ट कर दिया गिटार, वाओ। तो ये वही पेड़ है जो मैंने दिखाया था पहले, कितना पुराना है, और ये जगह और ज्यादा बेटर हो गई पहले से, इसमें कंस्ट्रक्शन जितना भी था होना था पूरा हो गया, सिटिंग हो गई। कैसा लग रहा है यहाँ बैठने का मन कर रहा है, तो बैठ भी लिए, गिटार वगैरह बजा लिया, और अब चल रहे हैं। और जो दो सवारियाँ थी हमारे साथ की, वो अभी तक उनका होता पता नहीं कहाँ पहुँच गए। देव अच्छा लग रहा है, देव को तो अच्छा लग रहा है। तो एक बार फिर से बस मौसम चेंज है और हम वहीं आ गए हैं। तो यहाँ ये जाएंगे लोग, तो हमें हमारा ट्रैक ये था कि हमें इसके ऊपर चढ़ना है, तो यहाँ से चढ़ जाओ, कितना ऊंचा है ये देखो, इस पे अगर चढ़ जाओ, ये वाली जो पहली वाली है, तो आगे भी दो तीन ऐसी मिलेंगे, इस पे चढ़ना पड़ेगा बस, चढ़ तो वहीं से, वैसे तो मैं यहाँ से गया था। पोपट हो गया यहाँ से बुलाने के बजाय, और यहाँ आ गए, अरे नहीं गिर जाओगे, अरे आ जाओ ना, आओ जल्दी आओ, इधर ही चलते हैं।
कैसा लग रहा है यहाँ आके? कितने ऊपर आ गए आप? कितना ऊपर हो? बताओ। तो देव आए इतनी ऊंचाई पर घूमने और गधा लेके चढ़ना पड़ता है। ये गधा लेके कौन चढ़ लेगा? तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ आ गए और यहाँ पर देखो बारिश के बाद मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। चारों तरफ हरियाली भी दिखाई दे रही है और दूर दूर तक बिल्कुल क्षितिज दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सर्कल राउंड है ना। विजय कह रही थी पृथ्वी सच में ही गोल होती है। आज पता चला पृथ्वी गोल होती है। यहाँ बैठ के सबसे ऊंचा है और चारों तरफ गोल ही गोल। और देव बट अच्छा लग रहा है। देव देव भी शांत हो गए। देव को भी अच्छा लग रहा है। आ जाओ पापा पास, आ जाओ, आ जाओ यहाँ, आ जाओ यहाँ, आ जाओ। गाना यहाँ से देखो, गाना सुनोगे? बाबू गाना सुनेगा। तो दक्ष लाए अपना गिटार और गाने को एंजॉय करेंगे इस अच्छे से मौसम में। तो स्टार्ट करें। क्लैप नहीं करेंगे। चलो स्टार्ट करो। पहचान में आ रहा है कौन सा गाना है? समझ में आ रहा है ना? गुलाबी आंखें। हो गया तो बहुत बढ़िया। इन्होंने पूरा एक गाना हमें प्ले करके दिखाया, म्यूजिक उसका। और चलो अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और ये मेरा कैमरा आप होल्ड करेंगे। ये ओ, ये मुझे गिफ्ट मिला है। गिफ्ट मिला है प्रकृति का है। अली देव को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। देव कैसा लग रहा है आपको बेटा? देव सुन रहे हैं दादा का म्यूजिक और यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से ये प्रकृति बहुत सुंदर लग रही है। देख अब मैडम जाके बैठ गई नीचे, वीडियो बना रही है। फ्रेंड्स तो कैंप लगाने की यही बात कर रहे हैं, है ना? कैंप लगा तो ये कह रहा है अब यहाँ से जाने का तो मन नहीं है तो यहीं कैंप लगा के रुक जाते हैं। सोलो सोलो नहीं, फैमिली फैमिली कैंप। और पीछे मत गिर जाना। अरे क्या है, मुझे डरा दिया। देखो देखो पीछे देखो, अरे ये पीछे गिर जाती तो यहाँ से देखो कितना नीचे खाई है तो फिर क्या होता। देखो देखो तो फ्रेंड्स यहाँ पर शायद ये शिवलिंग है तो हो सकता है यहाँ पर मान्यता हो, घूमने से कुछ राउंड किए जाते होंगे। तो जो ये लोग आए हुए हैं देखो यहाँ पे शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर देव देख रहे हैं इनको और यहाँ हो रहा है फोटोशूट। हमारे साथ जितने लोग आए थे वो सब लोग तो जा चुके हैं पर यहाँ बच्चों का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है जाने का। तो देख तो देखो और वो बैठ गए हैं। अब दक्ष की जगह तो हम अपने साथ लेके आए थे कुछ खाने पीने का सामान तो यहाँ पर चल रहा है खाना पीना हो रहा है तो सब लोग खा चुके हैं लग रहा है। हम लोग ही फोटोशूट कर रहे थे तो लेट हो गए हैं। और ये देखो स्टार्ट करूँ भाई? लो पकड़ना भी नहीं आता और ये गाना गाने की सोच रहे थे। तो फ्रेंड्स इनका गाना स्टार्ट हो गया है। तेरी बाहों में मर जाए हम।
इतना अच्छा बजाया ना मैंने। सारे फ्रेंड्स आपसे सीखने आने वाले हैं। सबसे पहले जो भी गिटार सीखता सबसे पहले यही गाना सिखाया। अच्छा। मटीली मटीली तलैया, ये हरी हरी हाड़िया, ये हम आ गए हैं कहाँ। सब वेट का इनका बेसुरीला गाना सुन रहे हैं सारे लोग। तो हेलो फ्रेंड्स, देखो हम इतने सारे लोग आए थे एक साथ घूमने, और ये बच्चों से जो यहाँ बच्चे बैठे थे उनसे वीडियो बनवा रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे टाइम स्पेंड करके। और यहाँ एक छोटी सी ट्रिप कर ली हमने संडे में, और अब जा रहे हैं यहाँ से वो दूर मंदिर है, वो दिखाओ, वो मंदिर दिखाओ, दूर मंदिर है वहाँ जा रहे हैं। किधर है मंदिर? ये रहे मंदिर, यहाँ तक जाएंगे घूमने, और फिर कभी आएंगे यहाँ अच्छे वेदर में। इन बच्चों ने वीडियो बनाई, इनके चोट लग गई है। अरे और ये एक स्पेशल बच्चा हमें मिला है, देखो इसकी आईब्रोज देखो, दिखाओ सच में दिखाओ, दिखाओ रुक के दिखाओ। अरे वाह, ये बनाई है वीडियो, वो आईब्रो ऐसी है। यहाँ से चलते हैं और अपना बोरिया बिस्तर उठाते हैं। हम ये लोग सामान लेके आए थे खाने के लिए, तो अपना पैकअप कर लिया है। हेलो म्यूजिशियन डायरेक्टर फोटोग्राफर सब लोग चले हैं। तो देव अपने पापा के साथ गेम खेल रहे हैं। कौन सा गेम खेल रहे हो? जंप करने वाला, ऐसे। तो इस बार जो दो कैंडिडेट हमारे उस टाइम हो गए थे, हम ढूंढ के ले आए। अब वो जाते टाइम सब साथ में जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम वहां से दूर से वो जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वहां से हम आए हैं, और अभी हमें यहां जाना है। ये सब लोग जा रहे हैं, जो हमारी कार्स वगैरह खड़ी हुई है वहां जाना है। तो ये क्या दिखा रहे हैं? इन्हें कुछ मिला है क्या? दिखाओ क्या ये? अरे ये जो, हाँ ऐसा लग रहा है कोई बर्तन है मिट्टी का, उसकी साइड है ऐसी, और इसके साइड में ये स्ट्रक्चर ये बना हुआ है। कितनी अच्छी डिज़ाइन बनी हुई है। तो अगर ये पूरा बाउल होता तो पूरे बाउल तो जो भी मिले हैं ना वो म्यूजियम में रख दिए गए, पता है। और यहाँ जो हम खड़े हैं ना, यहाँ पे भी देखो, उसे फेंकना नहीं, उसे हम रखेंगे। और यहाँ पे ये जो देखो, ये जो बाउंड्री सी दिख रही है, ये ऐसे रूम है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो जिन पर हम चल रहे हैं ये सब कुछ कुछ ना कुछ महल किले हैं। तो यहाँ उसके अवशेष दिखाई दे रहे हैं, ये देखो। ये पहले मैं इतना दिखा नहीं पाया था क्योंकि यहाँ से कार से आया था, इस बार पैदल आया हूँ तो सब चीज़ें मुझे क्लियर दिखाई दे रही हैं। यहाँ दिख रहे होगा आपको, ये बाउंड्री सी दिख रही है, और ये यहाँ सब कुछ है। ये ऐसा लगता है जैसे कोई महल है, उसका रूम, और ये सारी चीज़ें यहाँ शेप उनकी दिखाई दे रही है। तो अभी चलते हैं आगे। तो ये मुद्रा है शायद उस टाइम की, ये मिली है इन बच्चों को, और ये बच्चे बेच देते हैं। दिखाना क्या क्या? ये पुराने, ये मोती निकले हैं मन के। वाओ, तो ये चीज नहीं मिली, वो मैंने मटका फेंका है, उठाना जरा कहाँ गया ये मटके का? ये रहा, हाँ ये रहा, ये देखो, ये अमृत भांड बोलते हैं इसको, मिट्टी के बर्तन। तो उनका ये मिले हैं, और ये है, ये इस बच्चे को मिले हैं। तो ये है, बच्चों को मिलते रहते हैं बता रही है। तो यहाँ तो पूरा भंडार है, इसकी खुदाई होना भी बंद हो गई। पहले अंग्रेजों के ज़माने में ट्रेन भी चलाई गई थी इसकी खुदाई के लिए, और बात कर रहे थे कि यहाँ पर पुरानी चीज़ें निकलती हैं। कह रही थी एक मटका ढूंढो मुझे, एक सोने का, तो लो इन्हें तुरंत मिल गया। यहाँ की सोने का नहीं मिली, बट ये एक कोई मुद्रा है इसकी, और ये बच्चों इन्होंने दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम कार पे आ गए, और अब यहाँ से हम लोग वापस जा रहे हैं, और देखते हैं कहाँ जाते हैं। वैसे तो घर जाने का प्लान है, लेकिन अगर रास्ते में कोई और चीज़, मंदिर वगैरह कोई ऐसा प्लेस पड़ता है तो घूम सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ आ गए, पास में ही जैन मंदिर वगैरह थे, तो वहाँ आएंगे दर्शन करने, अंदर जाएंगे दर्शन, क्या घूमने जाएंगे, ठीक है। तो अंदर चलेंगे, और
यहाँ मंदिर प्रांगण में हम लोग हैं और यहाँ दर्शन करेंगे, घूमेंगे चारों तरफ। और वैसे कुछ नहीं, ये बहुत सुंदर नज़ारा है। देखो जैन मंदिर है यहाँ हमारे रामनगर में और उनका एक एरिया है ये। फ्रेंड्स फाइनली ये जो हमारे यहाँ जैन मंदिर थे रामनगर में, हमने वो घूम लिए हैं और हम यहाँ से वापस जाते हैं। सब लोग कार में बैठ चुके हैं और सभी ने थोड़ा थोड़ा अपना जो भी एक्सपीरियंस बताएंगे घर जाके। कैसा कैसा लगा वैसे दक्ष? अच्छा लगा। अच्छा लगा वैसे? हमें तो तुम्हारा गाना सुन के अच्छा लगा। गाना कौन सा था? गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। फिर से अच्छा लग रहा है हमें। ये जो मंदिर हैं कई जगह डिवाइडेड हैं, तो यहाँ पर भी सामने मंदिर है बट अभी टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, लाइटिंग वगैरह ऑन हो गई है तो अभी नहीं चल रहे हैं, अभी चलेंगे घर। सो फ्रेंड्स हम लोग आ गए अपने घर पे, यानी शहर अपने बदायूं में आ चुके हैं और यहाँ पे भी अभी भी बारिश बंद हुई है तो सब तरफ गीला गीला है। और देव सो गए हैं अपने मामा की गोद में, तो अभी चलते हैं घर। और बताओ इस ब्लॉग को कर दें एंड? हाँ कर दो, बाकी घर पे देखते हैं अगर, वैसे अभी कर दो। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। कह दो बाय कर दो। बाय, गुड नाइट। और वीडियो को लाइक को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। कमेंट में बताएं कि हमारा ट्रिप कैसा लगा। तो बाय बाय।